AWS ब्लॉग्स पर। तो आज के लिए एक मजेदार सी लेकिन गैस से हटकर, आज कुकिंग नहीं होगी लेकिन उससे हटकर एक रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि पेट के लिए तो बहुत अच्छी है और गर्मी में मजा आएगा खाने में, क्योंकि गर्मी बहुत चरम सीमा पर पहुंची हुई है। तो ऐसी चीजों का सेवन हमें करते रहना चाहिए जिससे हमारी शरीर के अंदर एनर्जी बनी रहे और हम पेट भी हमारा ठीक रहे। तो आज एक ऐसी ही ठंडी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ना आइसक्रीम की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है कोल्ड सैलेड की रेसिपी। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले अब आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बताते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जैसे कि मैंने बताया कोल्ड सैलेड है। कोल्ड सैलेड के लिए मैं ले रही हूँ कुकुम्बर, ये पत्ता गोभी है, ये रॉ मैंगो है हल्की सी खटास के लिए और टैंगीपन के लिए, ये गाजर, ऑरेंज मिले तो ऑरेंज ले लीजिए, मेरे को लाल मिल गए मैं लाल ले आई, अनियन है, सलाद पत्ता है, ये है हैंकर्ड, ये है शिमला मिर्च और ये है हमारी क्रीम। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना, कैसे करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने खीरा लिया है इसको हमने अपने इस चॉपिंग बोर्ड पे कुछ इस तरह से लंबा लंबा करना है, रिबन्स निकालने, जिस तरह से ये पतले पतले रिबन्स आ रहे हैं इसी तरह से हमें रिबन्स निकालने। अगर आपके पास ये ना हो अवेलेबल तो आप इस तरह से चक्कू का उपयोग कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से हमें रिबन्स निकालने हैं इसके। तो चलिए निकाल लेते हैं रिबन्स इसके। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमने सिर्फ खीरे का गूदा नहीं लेना है, जो बीज वाला हिस्सा होता है हमें वो नहीं लेना है, बाकी हमने इसको पूरा इसी तरीके से छील लेना। तो कोल्ड सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये हैंकर्ड, जो कि मैंने हैंकर के तैयार कर रखा था। इसमें डालेंगे हम ये फ्रेश क्रीम, ये हम सैलेड की ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर। तो इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है, अब डालते हैं हम इसके अंदर थोड़े इसके स्पाइसेस। ये मैं बहुत थोड़ा सा नमक ले रही हूं, हाथ में लेके इसलिए डाला कि मुझे अंदाजा रहे कि मैं कितना डाल रही हूं। डालूंगी इसके अंदर मैं चाट मसाला, नमक कम इसलिए भी रखा है मैंने क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, उससे ये ना हो कि मेरा नमक तेज हो जाए सैलेड में। डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। अब डालेंगे ये गाजर, ये मैंने रॉ मैंगो है जो पतला पतला बारीक बारीक सा मैंने कर लिया है, ये इसके अंदर डालते हैं। डालेंगे ये खीरा और डालेंगे ये पत्ता गोभी। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें सलाद पत्ता, ये शिमला मिर्च है ये भी शिमला मिर्च डाल देंगे और प्याज, ये सारी वेजीज हम इसके अंदर डाल देंगे जो सलाद में काम आती हैं। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ड्रेसिंग को इसके ऊपर जिससे चढ़ जाए। तो ये कोल्ड सैलेड हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, तो चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इस रेसिपी को आप लोग, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और अपनी सेहत से ज्यादा प्यार करते हैं और आपको चाहिए कि हमें रात को कुछ हल्का खाना है, तो आप इसको क्रीम को अवॉइड करके ये हैंकर्ड के साथ भी बना सकते हैं। तो बनाए खाएं एंजॉय करें, बाकी स्वाद में आज मैं भी ट्राई करूंगी। मैं तो मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं तो मैं तो बनाती ही रहती हूँ। स्वाद मजेदार है, हर एक चीज का, खीरे का, गाजर का, हर एक का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है। इसको खाने का मजा है चिल्ड करके, इसको बना लीजिए फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर और फिर ठंडा ठंडा खाइए, मजा आ जाएगा आपको, तभी तो इसका नाम कोल्ड सैलेड है। तो बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताइए स्वाद कैसा लगा। बाकी चैनल पर नए हैं या विजिट किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के साथ में और का ऑप्शन आएगा याद से दबाइएगा। अब आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। You always treat me badly. You say you always die.